बहुत बढ़िया हो गया भाई, बड़ा अच्छा हो गया, मिल जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल मिलेगा। बोले बोस जी लेकिन अभी आपको काम करना है, आप कहते थे ना करोड़पति बनना है, लो अब आप बन जाओगे करोड़पति। कैसे? कि आप लोगों को बताना शुरू करो। अरे मैं किसको बताऊं भाई, यहाँ तो सारे लोग स्पेनिश वाले हैं, अंग्रेजी भी नहीं जानता कोई। बोले इंडिया में तो है। मैंने कहा इंडिया में बहुत है। बोले तो इंडिया में ही करो। साथियों मैंने काम शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान तक इंडिया के दिनों में प्रचार प्रसार किया था, निशुल्क और निस्वार्थ लोगों को समझाया था, तो उसका फल देखिए अब आकर के मिला। जिसको भी मैंने बोला, सहारनपुर में एक राजीव मोरी है, उसको कहा भाई पर्लवाइन अमेरिका की एक सिस्टम कंपनी है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अगले दिन ही उसने, लोग तो कई कई दिन लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं, अगले दिन ये एंट्री कर फोन आया, बहुत जी मैंने इसमें एंट्री कर ली है। आज उसी राजीव मौर्य की देखिए सहारनपुर में मेरी 700 लोगों की टीम है, सोचिए आप। कहने का मतलब विस्तार में नहीं जाता हूं, नहीं तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। धीरे धीरे करते करते मैं काम करता रहा। अभी चेनारा माली जी कह रहे थे कि भाई वो एक ही आईडी पे काम करिए। देखिए हर आदमी की अलग अलग सिचुएशन है, हर आदमी की अलग अलग कैपेसिटी है, क्योंकि मुझे अनुभव तजुर्बा था, कैपेसिटी मेरी तेज थी, इसलिए मैंने जब मैं यहाँ लोगों को समझाता था तो मेरी पत्नी दूसरे कमरे में मेरी बात सुन रही होती थी, उसकी सुनने की शक्ति तेज है। हर आदमी को प्रकृति ने कोई कोई टैलेंट दिया है, जैसे मुझे टैलेंट मिला, मैं कविता और गीत लिख सकता हूँ, गा सकता हूँ, और मेरी मेमोरी तेज है। मेरी पत्नी दूसरे कमरे में बैठी हुई, जब मेरी कार आती है वहीं से बता देते बच्चों तुम्हारे पापा आ रहे हैं, देखो मेरा बेटा आ रहा, बेटी की कार आ रही है, इतनी तेज है उसकी सुनने की शक्ति, तो सुनती रहती थी। एक दिन बोली ये लोगों को तुम इंडिया में धड़ाधड़ धड़ा करोड़पति बनाए जा रहे हो, क्या है मामला? अरे मैंने कहा ये पर्लवाइन है भाई, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा दूसरों को करोड़पति बनाओगे, हमें नहीं बनाओगे? मैंने कहा जाने मन मैं कहां आपसे दूर हूं, बोला आओ। मैंने धड़ाक से लिया जी उनका और उनकी एंट्री कर दी। अब तो मुझे आ गया था, एंट्री करके काम करना शुरू किया। मैंने ये चेनाराम माली जी की इस बात पे बात बता रहा हूँ कि मेरी कैपेसिटी थी। मैंने पत्नी को देखिए, पत्नी को ओनेक्स किया, क्वार्ज किया, एक्सल सिर किया। इसके बाद बेटे ने एक दिन बात सुन ली, बोले आ अरे मम्मी ओनेक्स हो गई, 3 करोड़ 93 लाख मिलेगा। पापा ये तो मुझे भी कराओ। अरे मैंने कहा तेरे पास क्या कमी है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। ना 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 ना, लो जी फिर मैंने बेटे को किया। कहने का मतलब आज मैं 8 आईडी पर काम कर रहा हूं। मैंने कहा ना अलग अलग कैपेसिटी है, 8 आईडी है मेरी, 3 क्वार्ज है, तीनों एक्सेलसियर हैं, तो ओनेक्स है, एम्बर है, तो पर्ल है, लेकिन उसके अलावा यही कैसे कह सकते हैं, उसके अलावा मैंने जो भारत में टीम बनाई, आज 1030 लोगों की मेरी टीम है। बराबर रोजाना जो एक्टिव काम कर रहे हैं, जो इनएक्टिव है, सबको फोन करता आता हूँ, मैटर भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, और सबको तरोताजा रखता हूँ, भाई काम करते रहिए काम करते रहिए। आज वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, बराबर याद दिलाता हूँ उनको भी कि भैया त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम, और पर्लवाइन के चलते अब आराम हराम पर्लवाइन अपनाओ, और अशुभ कर्म को छोड़ शुभ कर्म अपनाओ। उनको हमेशा याद दिलाता हूँ, सबको वीडियो भेजता हूँ और सबके समाचार जानते रहता हूँ। एक बात से आपको आगाह करना चाहता हूँ साथियों, बताना चाहता हूँ कि इस समय बड़ा गड़बड़ चल रहा है मामला। क्या गड़बड़ चल रहा है? कुछ लोग मेरे जूनियर और सीनियर, दूसरी कुकुर मुत्तो जैसी कंपनी आ चुकी है, उनके बारे में बताना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैं बताना चाहता हूं आपको, एक निवेदन है कि पर्ल वाइन में इसके अलावा किसी भी दूसरी कंपनियों में काम ना करें आप, वरना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। दो नाव की सवारी करोगे नाव डूब जाएगी, दो घोड़ों की सवारी करोगे टांग टूट जाएगी। किसी दूसरी में काम ना करें, और कुछ यूट्यूब पर भी गलत निगेटिव वो बना करके डाल देते हैं। मेरे पास आता है, देखो जी ये क्या कह रहा है। मैंने कहा चिंता मत करो, जो प्रोडक्ट बेस कंपनियां हैं उनके अब प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, उनके जो काम करने वाले वो डिस्टर्ब है, दुखी है, परेशान है, इसलिए पर्लवाइन से वो तंग आ चुके हैं। अब वो पर्लवाइन की निगेटिव बनाकर ट्यूब दे रहे हैं, इनकी आप चिंता मत करो, मैं यहाँ बैठा हुआ जिम्मेवारी ले रहा हूँ, आप पर्लवाइन काम करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना उदाहरण देता हूँ, देखिए जब आप पर्लवाइन की मीटिंग में जाते हैं तो मेन होता है जो मीटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन, उसको आप सुनिए समझिए, उसके अलावा होती है शेयरिंग, जैसे अभी चिन्नाराम जी ने अपनी शेयरिंग दी, मैं अपनी शेयरिंग दे रहा हूँ, उसको आप सुनिए, सुनिए समझ रहे आप। तो जितनी भी निगेटिव ऐसी वीडियो आपको दिखाई दे डिलीट कर दो, आगे मत भेजो, और निश्चिंत होकर के काम करो। तो
कुछ लोग देखते देखते उनको जो है दूसरों को कहते हैं, पूछते हैं। मैं बोला नहीं, ऐसा ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। जब पर आपस में आओ, मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग का महत्व मैं आपको बता रहा हूँ, कितना बड़ा महत्व है जूम मीटिंग का। साथियों, मैंने जब जुमे जब तक क्वार हुआ, मुझे पता नहीं था क्या होती है मीटिंग। एक दिन मेरे मुकेश कुमार पंडित गाजियाबाद, उन्होंने कहा बोध जी तुम मीटिंग में नहीं जाते हो। मैंने क्या है मीटिंग भाई, कहाँ होती है? बोले ये लो, उन्होंने लिंक भेजा। मैंने बेटी को कहा बेटी जरा कर देना भाई, मैं तो 19वीं सदी का आदमी, 71 साल का बूढ़ा हूँ, मेरे समय में तो पढ़ाई भी कैसी होती थी, एक ढाम ढाम, दो ढाम पांच, तीन ढाम 60 साल, चार ढाम 10। आप कहोगे ये क्या है। साथियों, आज विज्ञान का युग है, मुझे इतना ज्ञान नहीं था कंप्यूटर का इसका। हाँ, मेरा काम तो चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। मेरी 5.5 साल की मेरी पोती है एक, एक दिन मेरे इसमें घंटी बज रही है और वो देख नहीं रहा मैं कहाँ क्लिक करूं। मैंने कहा अरे प्रिया सा देखना बेटे, ये घंटी बज रही है कहाँ, उसने फटाक से बताया यहाँ टच करो। दादू यहाँ टच किया, धड़ाक से वो खुल गया। अरे लोग तो देखिए, आज 5 साल तक के बच्चे थे भी इस विज्ञान के युग में कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि साथियों, मैंने अपनी पूरी टीम का ध्यान रखा, सबको बराबर टच में रहता हूँ, समझाता हूँ। मुझे पता चल गया धीरे धीरे, मेरे एक सीनियर लीडर गलत लोगों को रास्ते पे लगा रहे हैं। उन्होंने बताया जी, वो कह रही जी 1 लाख रुपए लगा दो, 5 लाख मिल जाएंगे। मैंने कहा ऐसी गलती मत कर देना, मैं भुक्त भोगी हूँ, अब तक 15-20 लाख रुपए का नुकसान उठा चुका हूँ। आप कहीं मत जाना, किसी की मत सुनना, केवल पर्लवाइन में लगे रहना यदि आप कामयाब होना चाहते हो। साथियों, कितनी अच्छी बात है कि आपके इसमें पर्लवाइन में नारी शक्ति, नारी शक्ति देखिए कितना अच्छा काम कर रही है। नारी नर की खान है, जाने जगत जहान, माँ बहन बेटी वे दादी, पत्नी का पद है महान। पत्नी पद है महान नारी की ये है, पत्नी पद है महान सृष्टि की ये उत्पत्ति, और पुरुष ना कुछ बन पाए यदि नारी ना साथी। कहे बोध सतपाल नारी को इज्जत दीजिए, और माँ से बड़ा भगवान ना कोई समझे लीजिए। साथियों, मेरे शब्दों में सबसे पहला भगवान मेरी माँ और मेरे पिता है, उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति में आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये बुद्ध ने बताए चार, और चार इनके गुणधर्म 8 हो गए, अष्टकलाप, जिससे सारा संसार जो बना हुआ है। तो मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को भगवान समझता हूँ, उसके बाद प्रकृति को भगवान। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, आसे आग, नैसे नीर, ये शब्द हुआ भगवान। तो नारी जिनमें माँ, मेरा सबसे पहला भगवान। मुझे बहुत खुशी होती है देख करके, जब देखता हूँ कि पर्लवाइन में महिलाएं किस तरह से काम कर रही है, नारी शक्ति किस तरह काम कर रही है। अक्सर याद दिलाता हूँ, त्यागन करिए आलस काम, न करो आराम, पर्लवाइन के चलते समझो अब आराम हराम, अब आराम हराम भला औरों का करिए, अशुभ कर्म को छोड़ कर्म समय की करिए। कहे बोध सतपाल सभी मिलकर गाएंगे और पर्लवाइन से अच्छे दिन भारत में आएंगे। आप देख रहे हैं नेता लोग चिल्लाते अच्छे दिन आएंगे आएंगे, अभी तक तो आए नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाले 10 साल में भारत में जिसके पास स्मार्टफोन होगा, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एक अकाउंट, एक FD पर्लवाइन में ना होगी। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं हम? हम चाहते हैं सुख और सम्मान। और सुख होते हैं 4 प्रकार के। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख बच्चों आज्ञाकारी। तो इनमें जो पहला सुख है निरोगी काया, इस पर अभी आपको बताना चाहूंगा। अब समय का अभाव होता है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है। पहला सुख निरोगी काया, सुख और सम्मान चाहते हैं हम लोग, और ये दोनों मिलते हैं। सुख सम्मान कैसे मिलते हैं? पैसे से। पैसा ऐसी चीज, समस्या सभी मिटाए, सब कुछ तो नहीं काम ये सबके आए, पर्लवाइन ऐसा कहीं मैं आऊं ना जाऊं और घर बैठे उंगलियां मोबाइल पर ही चलाऊं। कहे बोध सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। साथियों, किसी ने नहीं कहा था सिस्टम से कि तुम एक्सेल शीट दो, सिस्टम ने एक्सेल शीट भेज दिया। किसी ने नहीं कहा था सिस्टम से कि तुम फॉर्चुनर वॉलेट दो, सिस्टम ने दे दिया। किसी ने नहीं कहा था सिस्टम से कि तुम रॉयल्टी दो, आज रॉयल्टी रॉयल्टी चिल्ला रहे हैं। अरे रॉयल्टी तो मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करो। जो काम तुम्हें मिल रहा, 7 तरह की इनकम आपको हो रही है, उसमें काम करके फायदा लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे देखिए आप, मेरी पत्नी कोरल है, वो क्वार्ज है, एक्सेलसियर है, और बता दो बेटी ओनेक्स है, एम्बर है। साथियों, जब ये एक्सेलसियर आया तो देखिए हम कहने लगे ये क्या चक्कर है। उन दिनों साथियों में मैं थीस की तैयारी कर रहा था करने के लिए, 15 सिटी भी मेरे इसमें इकट्ठे हो गए थे। तो मैं जूम मीटिंग की बात बता रहा हूँ, जूम मीटिंग का कितना बड़ा महत्व है। जब मैंने जूम मीटिंग में आना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो मेरे अच्छे अच्छे लीडर मेरे मित्र बन गए, मेरे प्रिय बन गए, उनको उनको मेरा ध्यान होने लगा। जब एक्सेल शेयर की रात के 2 बज रहे थे यहाँ बोलीविया में, उस समय मेरे एक मित्र अंकित उपाध्याय का फोन आया।
अरे वो बुजुर्ग आदमी पता नहीं उसको पता होगा कि नहीं होगा, बोले बहुत जी कहाँ हो? मैंने कहा जी रात के 2 बजे मैं तो सोने जा रहा हूँ, 1 बजे तक तो मैं इंडिया के लोगों को बताता रहा लेकिन टाइमर का सिस्टम चेंज हो गया, ना तो अमेरिका का रहा ना इंडिया का रहा, पता नहीं क्या होगा। बोले चिंता मत करो खड़े हो जाओ, सोने का टाइम नहीं है, एक्सेलसियर में अभी टाइमर खत्म होने वाला है और क्लिक करो आप। मैं एकदम हड़बड़ करके उठा, उठा उठ करके बेटे के कमरे में गया, अरे मैंने तेरे $500 जमा किए क्लिक कर दे। उसके पास तो बेहतरीन बढ़िया वाला मोबाइल फोन था, रात के 2 बजे गहरी नींद में उठा वो, उठ करके उसने फोन निकाला, देखने लग गया।